एक तहसील के अंदर एक महिला एसडीएम काम किया करती हैं, तभी उनके ऑफिस में एक लड़के की ज्वाइनिंग होती है जो कि चपरासी की पोस्ट पर वहां पर आया था। और जैसे ही महिला एसडीएम उस चपरासी को देखती है तो देखते ही एकदम से अपना दिल दे बैठती हैं, क्योंकि दोस्तों वह लड़का देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, जिसका नाम था सुनील। सुनील एक किसान के घर से बिलोंग करता है और उसने डी ग्रुप का फॉर्म भरा था और उसके बाद उसकी नई नई ज्वाइनिंग हुई थी। उस लड़के की उम्र 24-25 साल थी। अब जैसे ही महिला एसडीएम उसे देखती है तो देखते ही एकदम से पसंद कर लेती है और उसके बाद उसके बारे में तरह तरह की बातें सोचने लगती है। लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि इस लड़के की ज्वाइनिंग हो गई और मैं इसे पसंद करने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले यह पता किया जाए कि यह शादीशुदा तो नहीं है और कहीं किसी और लड़की से प्यार तो नहीं करता है। उसके बाद महिला एसडीएम धीरे धीरे करके उस सुनील के बारे में पता लगाने लगती हैं। वह पता लगाती हैं तो उसे पता चलता है कि सुनील की अभी शादी नहीं हुई है। उसके घर में उसके छोटे भाई बहन हैं और उसके माता पिता हैं और उसके पिता खेतीबाड़ी किया करते हैं। अब इन सभी बातों को सुनने के बाद जो महिला एसडीएम है और भी ज़्यादा उससे प्यार करने लगती है और उसके बारे में अलग अलग तरह की बातें सोचने लगती हैं, क्योंकि दोस्तों सुनील अपना काम मेहनत और ईमानदारी से किया करता था और उसका नेचर भी बहुत अच्छा था। वह ऑफिस के अंदर सभी से अच्छी तरह से बात किया करता और सभी के काम को करने के लिए तत्पर रहा करता। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद जो महिला एसडीएम है और भी ज़्यादा उससे प्यार करने लगती है, क्योंकि दोस्तों महिला एसडीएम की अभी तक शादी नहीं हुई थी और उसके घर वाले उससे शादी करने के लिए बोल रहे थे, तो सुनील को देखकर वो प्यार करने लगी थी और प्यार करने के बाद वह डिसाइड कर लेती है कि मैं सुनील से ही शादी करूंगी। उसके बाद एक दिन शाम को सुनील जब छुट्टी करके वापस जा रहा था तो तभी महिला एसडीएम उससे कहती है कि थोड़ी देर बाद तुम्हें मेरे घर पे आना होगा, क्योंकि महिला एसडीएम का घर तहसील के अंदर ही था और वहां पर वो सुनील को बुला रही थी। अब इस बात को सुनने के बाद सुनील थोड़ा सा हैरान होता है। वो सोचता है कि एसडीएम साहिबा को मुझसे ऐसा क्या काम है, लेकिन दोस्तों जिस तरह से एसडीएम साहिबा सुनील की तरफ देखा करती थी, कहीं ना कहीं उसे भी अंदाजा था कि एसडीएम मैडम के दिल के अंदर उसे लेकर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। इसके बाद वो कह देता है कि ठीक है मैडम, मैं वहां पर आ जाऊंगा। और शाम के समय सुनील महिला एसडीएम के घर पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद महिला एसडीएम दरवाजा खोलती है और उसे अंदर बुलाती है। अंदर बुलाने के बाद उसे चाय पानी पिलाती है। सुनील जो कि बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, वह मन ही मन अलग अलग तरह की बातें सोच रहा था। तभी जो महिला एसडीएम उसके चेहरे को देखते ही समझ जाती है कि यह नर्वस फील कर रहा है, तो उसके बाद वो उसे रिलैक्स कराती है, कहती है कि कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। उसके बाद वह सुनील को बताती है कि सुनील, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। अब इस बात को जैसे सुनील सुनता है तो उसकी घबराहट तो दूर हो जाती है, लेकिन उसके मन में सवालों का भूचाल आ जाता है। इसके बाद जो सुनील है वो मैडम से कहने लगता है कि मैडम आप कहां और मैं कहां, मैं एक छोटा सा चपरासी हूं और आप एसडीएम हो, तो आपका और मेरा तो कोई मेल ही नहीं है। अगर हम लोग एक दूसरे से शादी करेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। अब इस बात को सुनने के बाद जो एसडीएम मैडम थी वो उसके प्यार में पूरी तरह से डूब चुकी थी। वो एकदम से कह देती है कि दुनिया वालों से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ तुमको चाहती हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। अब इस बात को सुनकर सुनील पहले तो थोड़ा सा हेजिटेट होता है, लेकिन फिर वो कह देता है कि मैडम अगर आप ऐसा चाहती हो तो आपको मेरे घर वालों से बात करनी होगी, जो मेरे घर वाले बोल देंगे मैं वैसा ही करूंगा और इस बात का फैसला मैं अपने आप नहीं ले सकता। अब जैसे ही इस बात को महिला एसडीएम सुनती है तो इस बात को सुनने के बाद वो सुनील से और भी ज्यादा प्यार करने लगती है, क्योंकि दोस्तों आज के जमाने में ऐसा लड़का कहां से मिले जो अभी तक अपने घर वालों की बातों को मानता हो। तो उसके बाद महिला एसडीएम कह देती है कि ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम बेशक से यहां से चले जाओ, मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर वालों के पास भेजूंगी शादी की बात करने के लिए। इसके बाद सुनील वहां से आ जाता है और आने के बाद अपने परिवार वालों को ये पूरी बात बताता है। वह कहता है कि हमारे ऑफिस की जो एसडीएम मैडम है वो मुझसे शादी करने के लिए बोल रही थी। अब इस बात को जैसे घर वाले सुनते हैं तो उनको एकदम से विश्वास नहीं होता, लेकिन सुनील उन्हें अपनी और मैडम की हुई सारी बातों को बताता है। अब जैसे घर वाले इस बात को सुनते हैं तो उन्हें भी विश्वास हो जाता है, लेकिन वो इस बात को लेकर असमंजस में है कि इतनी बड़ी मैडम अगर हमारे बेटे से शादी करेगी तो ये समाज क्या कहेगा, ये लोग क्या कहेंगे। इधर जो एसडीएम मैडम है वो अपने घर वालों से बात करती है और उनसे कहती है कि आप लोग मुझे शादी करने के लिए बोल रहे थे ना, तो मैंने एक लड़के को पसंद कर लिया है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अब जैसे एसडीएम मैडम के परिवार वाले इस बात को सुनते हैं तो एकदम से खुश हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से एसडीएम मैडम से वो शादी करने के लिए बोल रहे थे और एसडीएम मैडम बार बार उनसे मना कर दिया करती थी। इसके बाद जैसे घर वाले इस बात को सुनते हैं तो लड़के के बारे में पूछने लगते हैं और जैसे एसडीएम मैडम उन्हें लड़के के बारे में बताती है तो एकदम से वो भी हैरान से हो जाते हैं कि एक चपरासी से
शादी करने के लिए बोल रही है और वो अपनी बेटी से कहने लगते हैं कि बेटी कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन जो एसडीएम मैडम थी वो सुनील के प्यार में डूब चुकी थी, वो अपने घर वालों से साफ साफ बोल देती है कि मैं शादी करूंगी तो केवल सुनील से करूंगी, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। उसके बाद एसडीएम मैडम के घर वाले सुनील के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद जैसे ही सुनील के घर वालों को पता चलता है कि एसडीएम मैडम के घर वाले हैं तो उसके बाद उनका अच्छी तरह से अभिनंदन करते हैं और उन्हें घर के अंदर ले जाते हैं, अच्छी तरह से चाय पानी पिलाते हैं। वहां जाने के बाद दोनों परिवार वाले आपस में बातें करते हैं और जब दोनों परिवार वाले आपस में बातें करते हैं तो यह बात भी सामने आती है कि कहीं बाद में कोई दिक्कत ना हो जाए। लेकिन फिर दोनों परिवार वाले फैसला करते हैं कि दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इसमें भला कौन सी दिक्कत होने वाली है। उसके बाद शादी की बातें तय हो जाती हैं। दोनों परिवार वालों ने एक अच्छा सा मुहूर्त निकाला था और उसी मुहूर्त पे सुनील और एसडीएम मैडम की शादी हो जाती है। अब जैसे ही उन दोनों की शादी होती है तो यह बात चारों तरफ फैल जाती है कि एक एसडीएम ने एक चपरासी से शादी कर ली। इसके बाद लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं और यह बातें घूमते हुए एसडीएम मैडम के कानों तक भी पहुंच जाती हैं। इधर जो सुनील था उसको भी ऐसी कुछ बातें सुनाई देती हैं। कोई कहता है कि चपरासी की तो जिंदगी ही बदल गई, उसकी तो किस्मत खुल गई, उसको एसडीएम पत्नी मिल गई है। इधर कोई एसडीएम मैडम के लिए कहता है कि उसने तो बड़ा बेवकूफी भरा काम किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय तक जो एसडीएम मैडम है वो अच्छी तरह से सुनील के घर में रहा करती हैं। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि बातों का असर होता है, भले ही देर से होता है, और इसी तरह से इन बातों का असर एसडीएम मैडम के ऊपर होने लगता है। अब धीरे धीरे उसे सुनील के अंदर 100 तरह की खामियां दिखाई देने लगती हैं और सुनील के परिवार के अंदर भी 100 तरह की खामियां दिखाई देने लगती हैं। उनका रहन सहन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो बात बात पर इन बातों के बारे में सुनील से कहा करती कि तुम्हारे परिवार वाले इस तरह से रहते हैं और ऐसे नहीं रहना चाहिए। अब उनके घर में दो सरकारी नौकर हैं तो उन्हें अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए। लेकिन सुनील के परिवार वाले खेती किसानी वाले व्यक्ति थे तो वह खेती किसानी करके अपना जीवनचर्या को बिताया करते हैं। उनके घर में कुछ जानवर भी थे और उनका पालन पोषण वो किया करते हैं। अब सुनील जैसे ही अपनी पत्नी के बदलते व्यवहार को देखता है तो उसके बाद उसे बिठाकर समझाता है, कहता है कि ऐसा नहीं है, हमारा परिवार पहले से ही इस तरह से रह रहा था और इस बात के बारे में बार बार मैंने तुमको आगाह किया था कि ऐसा मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कुछ गड़बड़ हो जाए। अब तुम ऐसा गड़बड़ करना चाहती हो, लेकिन इन बातों का एसडीएम मैडम के दिमाग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अभी उनके दिमाग पर वो बातें हावी थी जो लोग उनके बारे में बता रहे थे। अब उसके बाद एसडीएम मैडम कहती हैं कि सुनील तुम ऐसा करो, तुम ड्यूटी को छोड़ दो और जब तुम ड्यूटी छोड़ दोगे तो उसके बाद कोई भी हम पर सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन इस बात को जैसे सुनील सुनता है तो एकदम से मना कर देता है, कहता है कि मैं अपनी जगह सही कमाता हूं, तुम भी कमाती हो, तुम्हें लोगों की बातों से क्या मतलब है। मुझे भी बहुत तरह की बातें सुनने को मिलती हैं लेकिन मैं तो उन बातों को बिल्कुल भी अपने सामने नहीं आने देता और मैं उन बातों को ऐसे ही जाने देता हूं। तो तुम्हें भी ये बातें पेंडिंग में डालनी चाहिए और इन बातों पर गौर बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। लेकिन एसडीएम मैडम के दिमाग पर ये बातें हावी हो जाती हैं और इन बातों को चलते हुए वह बार बार छोटी छोटी बातों पर सुनील से लड़ाई करने लगती है। अब जैसे ही वो सुनील से लड़ाई करती है तो कई बार सुनील उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसके समझ में एक भी बात नहीं आती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और एक दिन किसी छोटी सी बात को लेकर लड़ाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है और एसडीएम मैडम सुनील से तलाक लेने का फैसला कर लेती हैं। इसके बाद एसडीएम मैडम अपने सरकारी आवास पर रहने के लिए चली जाती हैं और वहां से सुनील के ऊपर तलाक का केस डाल देती हैं। कुछ दिनों तक केस चलता है और केस चलने के बाद दोनों का तलाक हो जाता है और इसी दौरान जिस दौरान तलाक हुआ था उसी दौरान सुनील का ट्रांसफर हो गया था, वो कहीं और जाकर ड्यूटी करने लगा था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता और समय के साथ साथ एसडीएम मैडम को बार बार सुनील की यादें आया करती, लेकिन उन बातों का असर अभी तक भी उसके दिमाग पर था जो बातें उसे सुनने को मिली थी शादी के बाद में। अब धीरे धीरे करके उनके तलाक को 3 साल हो गए थे और इन 3 सालों में उन बातों का असर एसडीएम मैडम के दिमाग से हट गया था जो बातें उसने शादी के बाद सुनी थी। अब वह सुनील से बात तो करना चाहती है लेकिन बार बार वो बातें उसके सामने आ जाती हैं। जब सुनील उसे समझाया करता और उससे कहा करता कि इन बातों पर ध्यान मत दो और तलाक के टाइम पर सुनील ने उससे कह दिया था कि तुमने जो भी किया है ना वो अच्छा नहीं किया है। अब इसी वजह से जो एसडीएम मैडम है वो सुनील से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं और इसी तरह से अपने काम को करती रहती है। इस दौरान कई बार उसका ट्रांसफर इधर से उधर हो गया था और ऐसे ट्रांसफर होते हुए एक बार फिर से उसके ही ऑफिस में सुनील की दोबारा से नौकरी लग जाती है, यानी कि ट्रांसफर होते हुए वो उसी ऑफिस में पहुंच गई थी जहां पर सुनील काम किया करता था। अब वहां पर जैसे ही ज्वाइनिंग होती है तो ज्वाइनिंग के दौरान सुनील को ये पता चल गया था कि इस ऑफिस के अंदर मेरी वही तलाकशुदा पत्नी आने वाली है जिसने कभी मुझे तलाक दे दिया था। दोस्तों इसके बाद सुनील 2-3 दिन तक ऑफिस नहीं आता है और जैसे ही एसडीएम मैडम को ये पता चलता है कि उनका जो चपरासी है वो वही सुनील है,
जिससे कभी उन्होंने प्यार करके शादी की थी। तो उसके बाद एसडीएम मैडम को बहाना मिल जाता है सुनील से बात करने का। तो एकदम से एसडीएम मैडम उस पर फोन मिलाती है और कहती है कि तुम ड्यूटी पर क्यों नहीं आ रहे हो, अगर इस तरह से तुम ड्यूटी पर नहीं आओगे तो तुम्हें ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा। अब इस बात को जैसे सुनील अपनी तलाकशुदा पत्नी के मुंह से सुनता है तो उसके बाद वो कहता है कि ठीक है मैडम, मैं कल से ड्यूटी पर आ जाऊंगा। दूसरे दिन सुनील ड्यूटी पर आ जाता है और जैसे ही वो ऑफिस में आकर दोनों की एक दूसरे से निगाहें मिलती हैं तो निगाहें मिलने के बाद दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं सुनील भी काफी दिनों से उसको याद किया करता था। इधर जो एसडीएम मैडम थी उसके दिमाग से भी उन बातों का असर उतर गया था और इसके बाद वो बार बार सुनील से बात करने का बहाना ढूंढा करती लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पाती थी। सुनील मायूस सा वहां पर खड़ा हुआ था तभी एसडीएम मैडम अपनी चेयर से उठकर आती हैं और आने के बाद एकदम से उसके गले से लग जाती हैं और कहती है कि सुनील मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई और तुमने तो मुझसे बार बार कहा था कि लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। अब जैसे ही सुनील से एसडीएम मैडम माफी मांग रही थी तो सुनील भी एसडीएम मैडम को माफ कर देता है, कहता है कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब उसे बार बार याद करने से क्या फायदा, मैं भी एक सरकारी सर्वेंट हूं और आप भी एक सरकारी सर्वेंट हो और ये विधि का विधान है जो हम लोग दोबारा से मिल गए हैं और यहीं पर हमें काम करना है, तो अब इन बातों को सोचने से कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हारा काम करूंगा, मैं यहां पर चपरासी हूं तो मैं चपरासी का काम करूंगा और तुम एसडीएम हो और तुम्हें एसडीएम का काम करना होगा। ऐसा कहकर सुनील वहां से चलने लगता है लेकिन तभी एसडीएम मैडम उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि सुनील मैं दोबारा से तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूं। अब जैसे सुनील इस बात को सुनता है तो सुनील भी कहीं ना कहीं अभी तक भी उससे प्यार किया करता था तो सुनील भी उससे कह देता है कि ठीक है अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो दोबारा से हमारी शादी हो जाएगी लेकिन एक शर्त होगी। तो एसडीएम मैडम पूछती है कि क्या शर्त होगी, वो कहता है कि अब तुम दूसरों की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनोगी, तुम्हें अच्छी तरह से घर के अंदर रहना होगा और घर को बसाना होगा। अब इस बात को जैसे एसडीएम मैडम सुनती हैं तो मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और वह एकदम से सुनील के गले लिपट जाती है। और दोस्तों इसके बाद सुनील और एसडीएम मैडम दोबारा से एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। तो एसडीएम मैडम के साथ सुनील दोबारा से अपने घर जाता है और एसडीएम मैडम सुनील के घर वालों से भी माफी मांगने लगती है, क्योंकि दोस्तों जिस दौरान उनका तलाक हुआ था तो तलाक से पहले एसडीएम मैडम ने कई बार उसके घर वालों का अपमान भी किया था और इसी वजह से उसने उनसे माफी मांगी थी। लेकिन सुनील के घर वाले जैसे ही एसडीएम मैडम को दोबारा से सुनील के साथ देखते हैं तो एकदम से खुश हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जितने दिन तक सुनील का तलाक हुआ था उतने दिनों तक सुनील ऐसे ही रहा करता था, ना घर वालों से अच्छी तरह से बात किया करता था और ना ही घर में उसका मन लगा करता था। घर वाले जब उसे शादी करने के लिए बोलते हैं तो वह मना कर देता है, कहता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं है, जिंदगी में एक बार शादी होती है और एक बार मेरी शादी हो चुकी है। और उसके बाद वह अपने माता पिता से कहता है कि छोटे भाई बहनों की शादी करानी है और यही मेरा काम है, मैं जीवन भर ऐसे ही टाइम व्यतीत करूंगा। और जब घर वाले एसडीएम मैडम को दोबारा से उसके साथ देखते हैं तो एकदम से इस बात को देखकर खुश हो जाते हैं कि अब उनके बेटे का भी घर बस जाएगा। इसके बाद एसडीएम मैडम सुनील के साथ हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करती है और धीरे धीरे उनका समय अच्छी तरह से व्यतीत होने लगता है। इसके बाद दोबारा से लोग बातें बनाने लगते हैं उनके बारे में, लेकिन इस बार जब सुनील की पत्नी के सामने वो बातें आया करती तो मुस्कुराकर इन बातों को ऐसे ही टाल दिया करती और उन लोगों से कह दिया करती कि जहां पर प्यार होता है वहां पर ओहदा नहीं देखा जाता। अब धीरे धीरे कुछ समय बाद कुछ अच्छी बातें भी उनके बारे में होने लगती हैं, लोग कहते हैं कि एक एसडीएम ने चपरासी से प्यार किया और प्यार करने के बाद उससे शादी कर ली, कितनी महान थी वो एसडीएम। अब ये अच्छी बातें जब सुनील और सुनील की पत्नी सुना करते हैं तो सुनील की पत्नी को बड़ा ही गर्व महसूस होता है अपने उस फैसले पर, जब उसने दोबारा से अपने पति से शादी करने का फैसला लिया था। अब कुछ दिनों बाद सुनील को एक बच्चा भी होता है और उस बच्चे के आने के बाद उनकी जिंदगी और भी अच्छी तरह से बीतने लगती है। जो सुनील के माता पिता थे उस बच्चे को देखकर बड़ा ही खुश होते हैं और इस बात के बारे में जैसे सुनील की पत्नी के माता पिता को पता चलता है तो वो लोग भी खुश होते हैं, क्योंकि सेम कंडीशन सुनील की पत्नी ने भी की थी, उसने शादी करने से साफ मना कर दिया था। और जब घर वालों को पता चलता है कि उनकी बेटी ने दोबारा से अपने उसी पति से शादी कर ली है तो वो लोग भी बड़ा ही खुश होते हैं। दोस्तों ये थी कहानी एक एसडीएम मैडम की और चपरासी की, जिन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और प्यार होने के बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। आप क्या कहना चाहते हो एसडीएम मैडम के बारे में और क्या कहना चाहते हो चपरासी के बारे में, आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। जैसे कि एसडीएम मैडम अगर उन बातों को नहीं सुनती तो उनका घर अच्छी तरह से बसा रहता। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय हिंदुस्तान।